मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा की पहल से क्षेत्रवासियों को 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन सुविधाएं मिलेगी। जनसेवा के दायित्व को पंडरिया विधायक आदर्श तरीके से निभा रही है। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि श्रीमती भावना बोहरा की कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के लिए उनका जज्बा सराहनीय है। जनसेवा के लिए कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि किस प्रकार समाज से, गांव से, गरीब से और ऐसे लोग जिनको सहायता की जरूरत है, उनके मदद के लिए कोई जनप्रतिनिधि खड़ा कैसे हो सकता है। भावना वोरा जी ने जिला पंचायत में सदस्य के रहते तब जिला पंचायत में जीत के आई, तो वहां एम्बुलेंस की शुरुआत उस जिला पंचायत क्षेत्र में बेटियों के लिए निशुल्क बस की, उनको कॉलेज जाने के लिए व्यवस्था की। और आज एक बड़ा कदम जो 7 एम्बुलेंस 7 विकास खंड के मुख्यालय में रह के निशुल्क सेवा करते हुए उस क्षेत्र के मरीजों को जिला हॉस्पिटल तक ले जाना और वहां हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक के लिए एक बेहतर काम की शुरुआत भावना वोरा जी ने किया। आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी झंडी दिखाई और यहां भी मैंने उन सभी सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र से पंडरिया विधानसभा के भावना जी के साथ यहां उपस्थित हैं, मंडल के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, जिला की पूरी टीम मौजूद है जो वहां पे काम करती है, उन सबको मैंने आज शुभकामना और बधाई दिया कि किस प्रकार हम जनसेवा के कार्य में इस सरकार और इस सरकार के साथ मिलके माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक बेहतर काम दिखाएंगे और इस प्रकार के जनसेवा के कार्य में सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। मैं इस पूरे बेहतर काम के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ भावना वोरा जी को, जो विधायक के नाते अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पूर्णता निर्वहन कर रहे हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह है, बहुत खुशी है।